Yo, what's up India, what's up Nepal, this is your boy UK Return back again with new video. और आज की जो वीडियो है भाई व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं है, आज की वीडियो है सिंपल इन्फॉर्मेशन वाली। इन्फॉर्मेशन ऐसी है भाई कि देखो मैं गया था नेपाल और नेपाल में मेरे कितने पैसा लग गया रोकड़ा। तो भाई सीधा पॉइंट पे आता हूँ, देखो पहले दो तीन बातें बोलता हूँ भाई कि नेपाल एक मस्ट विजिट आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए एज ए इंडियन और एनीबडी वॉचिंग मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई नेपाल मस्ट विजिट है, खासकर वहाँ के जो लोग हैं उनको देखो जाके कितना वार्म वेलकम आपको करते हैं, खासकर आपको है, बोलते हैं भाई इंडिया से यूट्यूबर है तो भाई बोलते हैं फोन निकालते जाए आपके 300 सब्सक्राइबर कितने भी है भाई सब्सक्राइब करेंगे। इंडियंस की तरह नहीं, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, इंडियंस बहुत अच्छे हैं भाई। तो कई कई बार जैसे यहाँ पे एटीट्यूड फैक्टर आ जाता है, कई यार 300 सब्सक्राइबर है ये वाला सिस्टम, वहाँ कुछ नहीं है भैया, तुम्हारे इतने मर्जी है, तुम्हारा वेलकम बहुत ही खुले हाथों से होने वाला है। ठीक है भाई, लेट्स कम टू द पॉइंट कि कितना पैसा लगा। भाई मेरे लगे नेपाल में एंटर करने के बाद कम से कम पूरा जो 3000 किलोमीटर मैंने पूरा किया है। पहली बार तो भाई जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखी है भाई जाके देखो मेरे चैनल पे है यूके रिटर्न, पूरा नेपाल सीरीज है, पोखरा टू मुक्तिनाथ, पोखरा टू काठमांडू, काठमांडू टू अपना सनौली बॉर्डर बिहार से। पहले यहाँ से गया था मैं टनकपुर होते हुए उत्तराखंड से, क्योंकि मैं देहरादून शहर के अंदर रहता हूँ भाई, तो यहाँ से मैं टनक हल्द्वानी टनकपुर होते हुए उधर से बनबसा से मैंने एंटर किया। तो भाई सीधा कम बैक टू द पॉइंट कि मेरे कितने पैसे लगे अंदर जाने के, क्या क्या हिसाब है। ठीक है तो भाई बता दिया कि 18,000 रुपये इंडिया के मैक्सिमम मेरे लग चुके हैं और मैंने 8 दिन वहाँ बिताए हैं। तो भाई गलती आप मत करना, 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत है नेपाल के अंदर घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा तुम जगह घूम लोगे 7 दिन के अंदर ही मात्र। मैंने गलती ही 14 दिन का मैंने ले लिया बंसार, आपको जब बॉर्डर पर जाओगे बंसार बनेगा, कोई हैसिल नहीं है, अपनी वोटर आई डी कार्ड लेके जाना और अपना 2-3 फोटो कॉपी मार लेना, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आई डी कार्ड, सीधा ही हाथों हाथ बंसार बन जाएगा आपको, जो दिखाते ना ये वो दिक्कत कुछ नहीं आएगी। और अंदर जाके पोखरा या काठमांडू में लेना एक मुक्तिनाथ के अंदर जाने का परमिट, ठीक है, अंदर से वो आपको 1000 नेपाली रुपये बन जाएगा। अगर आप जोमसोम में लोगों जाके तो वहाँ पे 2000 रुपये लग जाएंगे आपके, वहाँ पे भी कोई हैसल नहीं आएगा, पैसे लग जाएंगे 2000 नेपाली रुपये, तो वहीं से बना लेना, पोखरा से ऑफिस मिल जाएगा कहीं भी आपको, तो वहीं से परमिट बना लेना बस, और किसी जरूरत नहीं आपको। अपना बंसार अपनी जेब में रखना, जब भी पुलिस पूछे कि निकाल के फटाफट डिटेल, क्योंकि जगह जगह पुलिस होती है, अगर आपकी गाड़ी इंडियन है तो देख के बोलते हैं भैया एंट्री करवाओ, और नेपालीज के लिए भी होता है, सबके लिए है एंट्री करवाना, जाओ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हो तो बहुत सारे जैसे नेशनल पार्क आ गए, जो रिजर्व्स हो गए जैसे कंजर्वेशन अन्नपूर्णा, उधर परमिट लगता है, उधर पर भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। बाकी भाई ऑफ रोडिंग के दीवाने, जाओ सीधा पोखरा टू मुक्तिनाथ तो खतरनाक ऑफ रोडिंग है भाई बहुत ही, और आपको लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे रास्ते में जो आपकी हेल्प कर देंगे, रास्ता पूरा फुल ऑफ एडवेंचर है। बाकी जो लोग होटल्स का सोचते हैं, खाने पीने का बताता हूँ, खाना पीना पर प्लेट मुक्तिनाथ जो जाओगे तुम तो एवरेज 300 रुपये नेपाली है, ठीक है। कई सोचते हैं ना मैगी में गुजारा कर लेंगे भाई, वो वाले भी बहुत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एवरेज जो खाना खाना जाते हैं एक टाइम का वो 300 रुपये नेपाली है, जो इंडिया में तो कम हो जाएगा, ठीक है। उसका पेट्रोल 110 रुपये लीटर है वहाँ पे नेपाली करेंसी में, जो कि नहीं सॉरी इंडियन करेंसी में 110 है, नेपाली में 176 है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ठीक है यार, नेपाल का लोकेशन देखो ना, जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन उनकी, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि इंडिया के कई इंडिया में अलग हिसाब है तो वहाँ पर थोड़ा अलग हिसाब है पेट्रोल का, बाकी खाना पीना रहना पीना इंडिया सस्ता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी यार क्या बताऊँ, अंदर जाओगे 150 रुपये पर डे का हिसाब से आपको बंसार बन जाएगा। बंसार बनाते हुए भाई वीडियो में बता दिया मैंने, कोई DL और वोटर आई डी कार्ड तुम्हारा लग जाएगा, जितना मर्जी दिन बनाओ तुम 150 रुपये, ठीक है, और कम से कम भी बजट होता है यार, डिपेंड करता है कि मैं तो खुद 8 दिन रह के आया, 3000 रुपये मैंने 3000 किलोमीटर की मैंने जर्नी की है, क्योंकि मैं यहाँ से गया था उत्तराखंड से टनकपुर होते हुए एंट्री किया था बनबसा से, ठीक है, तो वो मेरे को पड़ गया था कम से कम 700-800 किलोमीटर यहाँ से, फिर अंदर गया पूरा उधर से, वो जो बीच में आता है अपना टाइगर रिजर्व भी आता है, वो एडवेंचर अलग था। आप वीडियो में जाके देख लेना यार प्ले लिस्ट में, ऑल टुगेदर बता रहा हूँ भाई, जो बजट वाले है भाई तुम्हारा मिनिमम से मिनिमम 18,000 इंडियन रुपये लगने वाला है। अगर तुम लिमिटेड जगह जाते हो, सिर्फ पोखरा से मुक्ति ना जाते हो, तो वो और कम हो जाएगा बजट, डिपेंड करता है कि तुम कितना, लेकिन भंसार उस हिसाब से बनवाना, क्योंकि मैंने गलती की थी कि यार मतलब कि 14-15 दिन का बनवा रहा था तो वो मेरा काम नहीं आया, कोई बात नहीं लेकिन, और बाकी भंसार कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, मेरा वही पड़ा है, और ये जो अंदर जो रिजर्व है अन्नपूर्णा उसका परमिट आपको कहीं से मिल जाएगा, और नेपाल का फ्लैग मैं वहीं से लेके आया था पूरे जर्नी मेरे साथ का, तो ऐसा बन जाएगा आपका परमिट। कुछ नहीं है भाई इंडिया ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है कि ऐसे यार ये सामान लेके जाओ वो सामान, पेट्रोल लेके जाओ, पेट्रोल मिल जाता है यार इजीली, अंदर भी मिल जाता है, ठीक है, ज़्यादा हाइप नहीं है। हाँ एडवेंचर की मैं 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि भाई मज़ा आ जाएगा भाई कतई, और नेपाली लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तुम्हारे 300 सब्सक्राइबर हैं, 100 सब्सक्राइबर हैं,
वो बोलेंगे भाई तुम यूट्यूबर लाओ, मैं तुम्हें सब्सक्राइब करता हूँ। तो मेरी बहुत अच्छी फैमिली वहाँ बन गई है नेपाल के अंदर जाके, तो भाई दोबारा जाऊँगा मैं, बता दिया आपको। मात्र यार इतने पैसे लगेंगे इंडियन रुपीज़ में, और खाना पीना अगर आपका और कम कर सकते हो रहना, फिर 500 नेपाली रुपए वाले जो लॉज वन नाइट के जो पैसा है ना आपको, वो भी वहाँ मिल जाएगा, और एक्सपेंसिव तो मिल ही जाएगा, हर जगह वही सिस्टम है ना भाई, डिपेंड करता है तुम्हारे जेब में कितना रोकड़ा है भाई। तो बजट में करो, मस्त नेपाल घूमो, एक हफ्ता जाओ, 15-17-18 हज़ार तुम्हारे लग जाएंगे इंडियन रुपीज़ में, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। खाना पीना अगर मैगी खानी सस्ता हो जाएगा, अगर प्रॉपर मील लेनी है तो फिर वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 300 रुपये पर प्लेट बताई दिया आपको प्रॉपर मील के। मैगी वैगी थोड़ा सस्ता, मोमो थोड़ा हल्का सस्ता होगा इंडिया के मुकाबले। तो यार ऑल टुगेदर मस्त है, प्लान बनाओ और जाओ यार। मैं तो यार बहुत ही क्या ही बोलूँ यार, मैं आई एम गेस्ट कि भाई अलग ही सातवें आसमान में हो गया, इतना प्यार मिला। और खासकर जो वहाँ का जो भाई मेरे को मिले थे यूट्यूबर गोरखाली राइडर भाई, सैल्यूट, वेलकम बैक एंड विजिट यू एंड मीट यू। बाकी यार जितने भाई मेरे नेपाल से प्यार दिखाते भाई, लव यू सबको, और इंडिया से भी भाई लव यू। तुम्हारा भाई अभी दोबारा प्लान करने की कोशिश करता है नेपाल की, जैसे ही होता है फिर दोबारा आपको इस बार डिटेल में, पहली बार था और थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा खर्च गए आपको, तो मैं कट बता रहा हूँ कि इतना बार काम हो जाएगा, इतना इतना आपको बनेगा बंसार परमिट। और अपर मस्टैंग थोड़ा महंगा, लेकिन लोअर मस्टैंग भी आप जाओगे ना मुक्तिनाथ पोखरा से बैनी होते हुए, ठीक है बांगलूम से कटता है राइट को, उधर से होते हुए ना पूरा ऑफ रोडिंग है, मस्त वाला नेचर आपका पूरा साथ देगा वहाँ पे, और बाइकर्स वहाँ पे पूरे इंटरनेशनल बाइकर्स वहाँ आपको मिल जाएंगे रास्ते में, ठीक है। मैं तो सोलो राइड करके आया हूँ भाई। गाइस यही थी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा ये बताते ना यूट्यूबर 1 लाख 2 लाख ये लग गया, अरे कुछ नहीं लगना यार, तुम्हारा 18,000 इंडियन रुपये में सारा काम हो जाएगा। मस्त नेपाल घूमो, बॉर्डर पर जाओगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग होते हैं, बोलना भंसार बनाना है 150 रुपये पे पर दिन का है अंदर, क्योंकि अपनी गाड़ी के साथ तुम्हारा बाइक ड्राइविंग लाइसेंस, और ये तुम्हारा लग जाएगा अपना वोटर आईडी कार्ड, और कुछ नहीं। 18,000 रुपये जिम में रखना, मस्त कन्वर्ट होकर थोड़ा डबल हो जाएगा, डबल तो नहीं होगा ऑलमोस्ट हाँ इतना हो जाएगा। खाने पीने को टेंशन नहीं भाई, नाओ नेपाल, और आगे जाके मैं तो खुद जाने वाला हूँ दोबारा नेपाल, तो भाई करो विजिट यार। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, अगली बार तो बाइक पर मिलूंगा, अभी तो यार इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, आई होप कि आपने ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यार कोई चूतिया बनती नहीं है, मतलब यार ये दिखा दिया वो चाहिए, अंदर जाओ बॉर्डर पे आपको कोई नहीं यार भाई, बस अन्नापूर्णा जो रिजर्व है उसका परमिट बनाना है ना अंदर से, वरना जॉमसम बनाओगे तो वहाँ 2,000 रुपये नेपाली लग जाएंगे, और पोखरा से काठमांडू से बनाओगे तो 1,000 रुपये नेपाली लग जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, पेट्रोल भराओ और घूमो जहाँ मर्जी घूमना है नेपाल के अंदर। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2023 जो नेपाल सीरीज के लिए आप ये तैयारी कर सकते हो। तब तक के लिए भाई गुड बाय, पीस आउट।